हेलो एंड वेलकम टू नर्चरिंग होम्स। तो आज है डे 3 ऑफ द गणेश फेस्टिवल। तो चलिए आज हम बप्पा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं एक बहुत ही इंस्टेंट मोदक की रेसिपी। वी आर मेकिंग टुडे इंस्टेंट पान मावा मोदक। हियर इज द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए इसे बनाने के लिए। शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर और इसमें मैं डालूंगी 1/2 कप मिल्क। थोड़ा थोड़ा करके मिल्क मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे मिक्स करते चलेंगे ताकि लम्स ना बने। जस्ट इन केस अगर लम्स बनते भी हैं तो स्पैचुला की मदद से इन्हें तोड़ते चलिए और अच्छे से मिक्स करते चलिए। इस मिक्सर को लगातार स्टर करना जरूरी है वरना ये मिक्सर नीचे पैन के लग जाएगा और जल जाएगा, इसलिए कीप स्टरिंग दिस कंटिन्यूअसली। एक बार जब ये दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून के करीब चीनी, दिस इज रेगुलर ग्रैनुलेटेड शुगर जो हम घर पे यूज करते हैं, और 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी। इन दोनों चीजों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। इट्स बेटर अगर आप इसे बनाने के लिए नॉन स्टिक कुकवेयर का ही यूज करें तो, क्योंकि उससे ये नीचे चिपकता नहीं है और आराम से बनता है। धीरे धीरे ये मिक्सर गाढ़ा होता चला जाएगा और एक डो की तरह दिखने लगेगा। पैन के साइड्स भी इसने छोड़ने शुरू कर दिए हैं। हमने बहुत ज्यादा घी नहीं डाला था कि आपको डिस्टिंक्टली पता चले कि ये पैन के साइड्स छोड़ रहा है, बट यस, जैसे जैसे मिक्सर गाढ़ा होगा ये पैन के साइड्स अपने आप छोड़ता चलेगा। अब देखिए ये मिक्सर बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, एक साथ आ चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून के करीब पान क्रश, ये बाजार में आराम से मिल जाता है। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी पान एसेंस और इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। एक आध ड्रॉप मैं डाल रही हूँ यहाँ पे ग्रीन फूड कलर का। अगर आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, जस्ट दैट कि ये कलर बहुत अच्छा रंग देगा हमारे मोदक को। अच्छे से कंटिन्यूअसली स्टर करते चलिए और बस अब हमें इसे तब तक चलाना है जब तक ये पूरा मिक्सर ड्राई ना हो जाए और मिलके एक जैसा ना हो जाए। दिस विल हार्डली टेक फ्यू मिनट्स, 1-2 मिनट से ज्यादा इसको नहीं लगेंगे। रेसिपी बनने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेती है, बट हाँ कंटिन्यूअस स्टरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे ही ये मिक्सर पूरा एक साथ आ जाता है, बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, दिस मिक्सर इज रेडी। हम गैस कर देंगे बंद और इस मिक्सर को मैं निकाल लेती हूँ एक बोल में ठंडा होने के लिए। जब ये मिक्सर ठंडा हो जाएगा तो ये अपनी शेप अच्छे से होल्ड करेगा। अगर मैं अभी इसके मोदक बनाना चाहूंगी भी तो मोदक अपनी शेप ठीक से होल्ड नहीं करेंगे। थोड़ी देर के बाद जब ये मिक्सर अच्छे से ठंडा हो जाएगा, पूरे तरीके से ठंडा हो जाएगा, तब ये अपनी शेप बहुत अच्छे से होल्ड कर पाएगा। लुक एट दिस, कितने अच्छे से एक गोला बन गया है इस मिक्सर का। अब हमें इसमें 2 चीजें मिलानी है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ माउथ फ्रेशनर, कलर्ड माउथ फ्रेशनर या सॉफ्ट जिसको हम बोलते हैं, ये नहीं है तो आप कलर्ड स्प्रिंकल्स भी ले सकते हैं, और कुछ ड्राइड गुलाब के पत्ते यानी कि रोज पेटल्स। थोड़ा थोड़ा हम इस मिक्सर में दोनों चीजें मिला देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। कुछ गुलाब की पत्तियां और माउथ फ्रेशनर या स्प्रिंकल्स मैंने छोड़ दिए हैं, हम तब इन्हें यूज करेंगे जब हम मोदक बनाएंगे मोल्ड में। ये दोनों चीजें भी मिक्सर में अच्छे से मिक्स हो गई है। चलिए अब मोदक बनाते हैं। मोदक बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मोदक का मोल्ड। इसको मैं घी से ग्रीस कर लूंगी। और इसमें अब मैं रख दूंगी कुछ गुलाब की पत्तियां और ये स्प्रिंकल्स। इससे हमारे मोदक बहुत सुंदर दिखेंगे जब बन के रेडी होंगे तो।
अच्छे तरीके से ये मिक्सचर इस मोल्ड के अंदर भर दीजिए। मेक श्योर कि आप ये मिक्सचर बहुत जेनरसली फिल करें, तभी मोदक की शेप अच्छी निकल के आएगी। मोल्ड बंद कर दीजिए और मिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके से मोल्ड के अंदर दबा दीजिए ताकि कोई भी गैप ना रहे। एक्सेस हर जगह से रिमूव कर दीजिए और जब आप ये अब मोल्ड खोल के देखेंगे तो हमारा मोदक हो गया है रेडी। लुक एट दिस, ये जितना खूबसूरत दिख रहा है उतना ही ज्यादा टेस्टी है खाने में। तो इस गणेश चतुर्थी इसे जरूर बनाइए और अपने फीडबैक्स और कमेंट्स हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से मैं बाकी के सारे मोदक भी बना लूंगी। इस गणेश चतुर्थी डू ट्राई आउट दिस रेसिपी एंड शेयर योर पिक्चर्स विद अस ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। दोनों ही जगह हमारा आईडी है बाय द नेम नर्चरिंग होम्स। तो यहाँ पे सारे मोदक हमारे बनके रेडी हो गए हैं। एक फाइनल टच में इनको और दूंगी और वो है सिल्वर वर्क लगा के। ये स्टेप भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो कीजिए, नहीं चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। जस्ट दैट, सिल्वर वर्क लगाने से ये हमारे मोदक बिल्कुल बाजार जैसे लगेंगे और कोई भी नहीं कह पाएगा कि आपने ये घर पे बनाया है, वो भी इंस्टेंट तरीके से। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस रेसिपी। If you really love watching our videos, do like, share and comment. Subscribe to Nurturing Homes and hit the bell icon next to it so you are notified whenever we upload our next video. Thank you for now. Keep smiling, keep watching, and I'll see you in my next video soon. Bye-bye.